लास्ट पार्ट के शुरुआत में हम देखते हैं माओ माओ और जेई बीच डेट पे आए होते हैं और जेई मामा को देख के खुश हो रहा होता है, स्माइल कर रहा होता है कि तभी दो लड़के वहाँ से जा रहे होते हैं तो एक लड़का उसके दोस्त से कह रहा होता है बचपन में मैं यहीं पर रहा करता था। और ये बात सुन के माओ माओ उस लड़के के पीछे जाती है और लड़कों को रोकती है और उस लड़के से कहते हैं कि तुम्हारा एज क्या है, तो लड़का कहता है 22 ईयर। तो मामा कहती है क्या मैं तुम्हें याद हो और तुम कहीं पर रहते बचपन में, तो वो कहते नहीं। तो मामा उसे अपना नेकलेस दिखा के कहती है देखो तुम्हें कुछ याद आया, तो लड़का कहते नहीं। तो माँ उसे कहते हैं कि मिस मुझे माफ़ कीजिएगा आप जो उसे ढूंढ रहे हो मैं वो नहीं हूँ। तो मामा उसे सॉरी कहता है, तो वो लड़का कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि आपको आपका भाई मिल जाए। और ये कह के वो लड़का अपने दोस्त के साथ वहाँ से चला जाता है। उस लड़के के जाने के बाद मामा जो है बेहोश हो जाती है और जय उसके पास आता है और जय उसे लेके घर की तरफ जा रहा होता है, तो तभी सोना उन दोनों को देख लेता है, उनके पीछे चला जाता है। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जय मामा को लेके बेड पे लेट आता है, तो भाई आके जय मामा को चेक करता है, जय से कहता है इसके बॉडी में बहुत देर से पल है इस वजह से ये बेहोश हुई है, इसे पानी में ले जाओ। तो जय मामा को लेके पूल में लेटा देता है और खुद भी मामा के पास बैठ जाता है। और सोंगनान उन दोनों को दूर से देख रहा होता है, तभी सोंगनान जय का टेल देख लेता है और वो शॉक हो जाता है। बात हम भाई जिशान और जय के दो भाई को देखते हैं। जय के भाई कहते हैं कि हमें अंकल हाई को बुलाना चाहिए और कहता है जिशी तुम भी मेरे साथ आओ, और वो लोग चले जाते हैं। उन लोगों के जाने के बाद भाई जाती है ड्रिंक बनाने के लिए और ड्रिंक में कुछ मिला देती है और वही वाला ड्रिंक लेके आता है और जिशान को देते हुए कहता है चलो ये ड्रिंक पियो, और जिशान भी वो ड्रिंक पी लेता है। वो ड्रिंक पीने के बाद जिशान जो बेहोश हो जाता है, तो भाई उसके पास आके उसके किस करके कहते हैं मुझे माफ़ कर देना, और वहाँ से जाने लगते हैं। जाते हुए वो किसको फ़ोन करके कहता है कि यहाँ पर आ जाओ। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं भाई जो है मामा और जय को किडनैप करके कहीं पर ले जा रहे होते हैं और सोंगनान उन लोगों को दूर से देख रहा होता है। उसके बाद सोंगनान किसको फ़ोन करके कहता है इन लोगों के पीछे चले जाओ। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर सोंगनान जिशान को ऐसे बेहोश देख के स्माइल करता है और किसको फ़ोन करके कहता है और भी लोगों को बुला लो यहाँ पर। और वो उसके बाद किसी में हम देखते हैं भाई जय से कहता है कि मुझे तुम्हारा पल चाहिए और तुम जो है अब खुद को मार लो या फिर मैं मामा को मार दूंगा, और ऐसी धमकी देने लगता है। तो जय कहते तुम्हें चाहिए क्या, तो मामा कहती है मैं एक फीमेल मरमेट हूँ और मैं सिर्फ 25 साल तक ही जिंदा रह सकता हूँ और मुझे और भी ज़िंदा रहना है, तो मुझे तुम्हारा पल चाहिए। और जय जो है कहता है कि ठीक है मैं खुद को मारने के लिए तैयार हूँ। मामा कहती है तुम पागल हो गए हो क्या, और जय नाइफ से खुद को मार देता है और मामा रोती रहती है। तभी मामा के पल जो है रेड हो जाता है और भाई देख के उस पल को ले लेती है। तभी वहाँ पर सोंगनान आ जाता है जिशान को लेके, जिशान को देख के भाई जो है चिंता में आ जाती है क्योंकि वो उसे प्यार करता था। तो सोंगनान उसके पास आके उसके हाथ से वो पल ले लेता है और भाई की सच्चाई सबके सामने बोलने लगता है कि कैसे भाई पल के लिए उन लोगों के साथ थी। और सोंगनान मामा के पास आके कहती है तुम इसके लिए मुझसे ब्रेकअप की थी ना। उसके बाद सोंगनान सबको समुद्र के किनारे ले जाता है और मामा से कहने लगती है मैं इसे पानी में फेंक दूंगा, अब तो ये ज़िंदा भी नहीं रहेगा क्योंकि इसका पल जो है नहीं है इसके पास और मैं इसे छोड़ सकता हूँ अगर तुम अपने रेस्टोरेंट मेरे नाम कर दो। तो मामा जय के लिए मान जाती है और जो साइन कर देती है कॉन्ट्रैक्ट में, और सोंगनान जो है जय को पानी में धक्का देके गिरा देता है। और ये देख के मामा रोने लगती है। सोंगनान मामा के पास आके कहती है कि तुम जाओ जाके उसे बचा लो, और तुम तो नहीं जा सकती ना, तुम्हें तो पानी से हाइड्रोफोबिया है। और मामा जो है जय को बचाने के लिए पानी में भी कूद जाती है और सोंगनान ये देख के गुस्से में आ जाता है। और सोंगनान उन गुंडों से कहने लगता है जाके सबको मार दो। तो वो गुंडों का लीडर कहता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, आपने तो कहा था कि हमें सिर्फ इन लोगों को डराना है, आपने तो नहीं कहा था कि इन्हें मारना है। और ये कह के वो लोग चले जाते हैं। तो सोंगनान उसके बाद किसी को फ़ोन करके कहता है बॉस मुझे वो प्रॉपर्टी मिल गई है, क्या मैं आऊँ आपके पास। तो उसके बॉस कहते हैं नहीं कॉन्ट्रैक्ट कब कैंसिल हो गया, अब तुम जाओ। और सोंगनान जो अपना गुस्सा निकालने के लिए भाई के पास आती है, भाई से कहती है सब तुम्हारे वजह से हुआ है, और भाई को मारने वाली होती। तभी जिशान अपना हाथ छुरा के सोंगनान को जो है एक ज़ोरदार पंच मार के दूर गिरा देता है और सोंगनान के हाथ से वो पल जो नीचे गिर जाता है। और जिशान जाके भाई के हाथ को खोल देता है और भाई जाके उस पल को उठा लेती है। तो जिशान उससे गुस्सा करने लगता है और कहता है ये पल जो है जय का है, जय इसके बिना नहीं जी सकता। तो भाई कहती है मैं भी इसके बिना नहीं जी सकती। तो जिशान कहता है कि तुम जय को उसका पल वापस दे दो। और हम देखते हैं सोंगनान को जो होश आ गया होता है और जिशान भाई से कह रही होती है कि तुम मेरा पल ले लो और ये पल तुम लौटा दो जय को वापस, क्योंकि मेरा
पर्पल रेड हो गया है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये सुन के बाई जो है शॉक हो जाती है, और तभी जो है सॉन्गन आके जीशान को मारने वाला होता है, तो बाई सामने आ जाती है जीशान के। मामाओं भी जय को लेके आ गया होता है, और सॉन्गन वहाँ से भागने का करता है, तभी पीछे से अंकल हाय और जय के दो भाई आके सॉन्गन को पकड़ लेते हैं, और बाई जय से कहता है तुम अपना पल वापस ले लो, और ये कह के बाई जय को उसका पल वापस दे देता है, और जीशान बाई से कहता है तुम मेरा पल ले, तो बाई मना करती है, और बाई की आँखें बंद हो जाती है, तभी जीशान का पल जो है रेड हो जाता है। तभी हम देखते हैं बाई की आंखें खुल जाती है, और बाई के बॉडी में रेड कलर का कुछ चमकने लगता है, उसका पल जो है वापस आ गया होता है, क्योंकि जीशान उससे सच्चा वाला प्यार करता था, सभी लोग उनके लिए खुश होते हैं। और हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मामाओं जो है कॉम्पिटिशन जीत गया होता है बेस्ट होम स्टे होटल के लिए, और उसने पार्टी ऑर्गेनाइज की होती है। जीशान बाई से कह रहा होता है कि मैं मरमेड इंसाइक्लोपीडिया में लिखूंगा कि फीमेल मरमेड बहुत ज़्यादा रेयर होता है, और वो लोग 25 साल तक ज़िंदा रहते हैं, और उन लोगों को अगर सच्चा प्यार मिल जाए तो वो लोग उससे भी ज़्यादा जी सकते हैं। और ये सुन के बाई खुश होता है, और उसके बाद हम देखते हैं मामा और जय को, जय मामा से कहता है तुम्हारे लिए गिफ्ट है, तो मामा कहते हैं क्या गिफ्ट। उसके बाद मामा जब देखता है तो जय ने उसके भाई को ले आया होता है, और ये देख के मामा बहुत ज़्यादा खुश होती है। और ड्रामा के आखिर में हम देखते हैं मामा और जय जो है फिर से बीच डेट पे आए होते हैं, और इस ड्रामा के आखिर में हम देखते हैं मामा और जय को किस करते हुए, और यहीं पर ही ये ड्रामा ख़त्म हो जाता है। मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और ऐसे लेटेस्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।